गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसई एकेडमी पर। आज से क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। इस क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के सेकेंड लेक्चर को लेकर आए। एक लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है, आप पहले उसे देखें, और जो बच्चे देख चुके होंगे मैं उम्मीद करता हूं उन्होंने प्रॉपर नोट्स जरूर बनाया होगा। ओके, अगर फिर भी नहीं बनाया है तो आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, जितने जल्द हो सके आप नोट्स बनाएं। ओके, चलिए तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे मोल्स निकालने के और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट तरीके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल निकाला था जब सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट दिया रहता था। आज फिर से हम लोग मोल निकालने की कोशिश करेंगे जब सब्सटेंस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दिया जाए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। जब मॉलिक्यूल्स दिया रहे तो मॉलिक्यूल्स को आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। और भी तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। बच्चों, चाहे मॉलिक्यूल्स दिया हो या फिर एटम दिया हो, मॉलिक्यूल्स या एटम का संख्या अगर दिया हो तो आप उसे एवोगाड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो संख्या आएगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर अपने आप को मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एवोगाड्रो नंबर है क्या, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ही बात कर चुके हैं कि एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 × 10³। चलिए इसे नोट कीजिए। नोट करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए यहीं पर रखता हूं। 3Na ऑफ कार्बन एटम इक्वल टू हाउ मच मोल, ये आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी यहीं पर लिख रहा हूं। टू एन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मच मोल। चलिए, दो छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसे नोट करें और उसके बाद इसे बनाने की कोशिश करें। टेक योर टाइम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर बनाया जाए, 3Na ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू हाउ मच मोल। तो बच्चों, एटम दिया रहता है और मोल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मोल
becomes equal to given atom, that is 3Na divided by Avogadro number, cancel हो गया Avogadro to Avogadro, तो मोल का संख्या कितना हो गया 3। इस तरह से हमने देखा कि 3Na atoms of carbon ये जो है 3 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जब मॉलिक्यूल्स का संख्या दिया रहता है और मोल निकालना होता है तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, Avogadro नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो दूसरा का आंसर क्या हो गया, मोल इक्वल टू 2Na मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Avogadro नंबर, दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 मोल्स ऑफ 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नोट करें इसे। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखा जा रहा है, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन एटम, फाइंड द वेट ऑफ कार्बन एटम यूज्ड इन 22.5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये बच्चों एक बहुत ही सिंपल बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी कंपाउंड का वेट दिया हो, तो उसके अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट कितना होगा, चलिए दिमाग लगाएं। देखिए बच्चों, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। बच्चों अगर ग्लूकोज का अगर n मोल लिया जाए, n मोल लिया जाए तो इसमें मोल्स ऑफ कार्बन जो होगा, सिक्स इंटू एन हो जाएगा। इसी तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू एन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा 6N। तो हम लोग इस तरह से डील करते हैं कि जब कोई कंपाउंड दिया हो, जिसकी या कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हो और उसका मोल मालूम है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग इस तरह से मोल में लिखते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोल। इस तरह से तब जो दिए हुए क्वेश्चन में ग्लूकोज का मोल ना दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राम, तो आप इसे मोल में कन्वर्ट कर ले। यहां पर ग्लूकोज जो होगा वो मोल में कितना हो जाएगा, 22.5 हो गया गिवन वेट, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा,
180, कितना हो जाएगा 180। जब वेट दिया रहता है तो हम लोग इसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो 22.5 बाय 8 जो है 180, ये हो जाएगा 1/8। कैंसिल करें, ये कितना हो जाएगा 1/8। तो हमने पता चला है यहां पर ग्लूकोज कितना है बच्चों, 1/8 मोल। तो कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 6 × 1/8 मोल। कितना मोल हो जाएगा कार्बन, कितना हो जाएगा, यहां पर देखें जैसे n मोल हो तो कार्बन का पर्टिकुलर मोल कितना निकला, 6 × n। तो यहां हमारे पास कितना मोल आया, 1/8। तो 1/8 × 6 क्या हो जाएगा, 22.5 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन का मोल। हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेट, वेट ऑफ कार्बन एटम। तो जब मोल दिया रहता है तो हम लोग वेट कैसे निकालते हैं, सपोज कीजिए कि मोल्स जो है वो क्या है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कैसे निकालोगे बच्चों, वेट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो वेट इक्वल टू हो जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा मोल्स, मोल्स कितना आया बच्चों, 6 × 1/8। अब मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना है, 12, कितना है 12, इसे आप कैंसिल कर दें, 12 इसे आप कैंसिल करें, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 × 3 = 6, दैट इज 9 ग्राम। तो 22.5 ग्राम ग्लूकोज में आपका 9 ग्राम क्या है बच्चों, कार्बन है, 9 ग्राम क्या है कार्बन। चलिए इसे नोट करें अच्छे से, चलो बच्चों यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए एक और सिमिलर क्वेश्चन कराया जाए, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द वेट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन 1.71 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 1.71 ग्राम ऑफ सुक्रोज। और बच्चों सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11। चलिए इस क्वेश्चन को बनाए, बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन जिस तरह से आपको बताया गया था बिल्कुल उसी का जेरोक्स कॉपी है ये।
यहां पर बच्चों क्या दिया रहा है, सुक्रोज दे रखा है। तो सुक्रोज का यदि हम लोग मोल्स निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1.71 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 342। कितना होता है 342। इसे आप कैंसिल कर ले, ये हो जाएगा 1/200। मोल्स कितना आ गया बच्चों, 1/200। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/200 इंटू 22। ऑक्सीजन ने पूछा है, ऑक्सीजन पूछा है ना, तो 1/200 इंटू 11। अगर वेट पूछ रहा है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 1/200 इंटू 11 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया 16। इसे आपने कैंसिल कर लेना है और कैंसिल करने के बाद आपको इसका पर्टिकुलर आंसर लेना है जो कि हो जाएगा 0.88। ग्राम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंटेड, फाइंड द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंटेड 1.61 ग्राम, 1.61 ग्राम ऑफ Na2SO4.10H2O। इस कंपाउंड को यदि 1.61 ग्राम लिया जाए तो इसके अंदर कितने वाटर प्रेजेंट होंगे, वाटर का वेट पता करना है। 1.61 ग्राम Na2SO4.10H2O में वाटर का अमाउंट पता करना है। समझ लीजिए अपना, बिल्कुल पेशेंस रखे। सबसे पहले पता कीजिए कि दिया हुआ इंफॉर्मेशन क्या है। तो दिया हुआ इंफॉर्मेशन इस कंपाउंड का वेट है। वेट से वेट नहीं निकाला जा सकता, मोल से वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कंपाउंड का मोल कन्वर्ट करना है, मोल निकालना है। तो मोल कितना हो गया बच्चों, 1.61 ग्राम डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 322। कितना हो जाएगा 322। मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाए, वहां पर मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका आपको बताया है। इसे आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 1/200। मोल्स कितना हो गया बच्चों, 1/200। ये मोल्स है इस पूरे कंपाउंड का। हमने क्या पता करना है, मोल्स वाटर का। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1/200 इंटू 10 इंटू 10। ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर लेना वाटर में। हमने क्या पता करना है, वाटर का वेट। तो हम लोग पता करेंगे
weight of water that is 1/200 into 10 into 18 into 18. Water का molecular weight कितना होता है 18. इसे आप multiply कर ले, cancel करने के बाद आपको पता चल जाए कि ये 0.9 ग्राम है, 0.9 ग्राम. चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं. अब हमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता रहता था कंपाउंड का अमाउंट, तो हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट का वेट या मोल पता कर लेते थे. अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं. चलिए देखते हैं, फाइंड द वेट ऑफ ग्लूकोज इफ वेट ऑफ कार्बन यूज्ड, इफ वेट ऑफ कार्बन यूज्ड, इफ वेट ऑफ कार्बन यूज्ड इन अ ग्लूकोज इज, इन अ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज इज 4 ग्राम. क्या बच्चों, 4 ग्राम. आपने पता करना है कि यदि ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज में 4 ग्राम कार्बन है, ग्लूकोज में 4 ग्राम कार्बन है, तो उस ग्लूकोज जो कि 4 ग्राम ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का वेट कितना होगा. हमने क्या किया यहां पर, क्वेश्चन कैसे लिया है बच्चों, ध्यान से सुनो. एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिए है, उसमें 4 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, 4 ग्राम क्या है कार्बन है. तो आपने पूछा है कि इसमें ग्लूकोज कितना लिया गया था. चलिए समय लीजिए आप अपना. बिल्कुल, जब तक आप अपना कलम नहीं चलाएंगे आपका दिमाग काम नहीं करेगा. ठीक है, कुछ सोचे लिखे, जो आपको समझ में आ रहा है लिखे. अटेम्प्ट ले, बिल्कुल अटेम्प्ट लेना जरूरी है. अटेम्प्ट नहीं लेंगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा. क्या दे रखा है बच्चों, कार्बन का अमाउंट कितना दे रखा है 4. कार्बन को मोल्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 by 12. ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है, C6H12O6. कार्बन का वेट सपोज कीजिए कि W ग्राम है, कार्बन का वेट कितना W ग्राम, तो W ग्राम हो गया. मोल्स में कन्वर्ट करें तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए कार्बन जो है यहां पर सपोज कीजिए कि जो पूरा ग्लूकोज है, कार्बन ने कार्बन का अमाउंट तो दे रखा है, पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है वो W ग्राम है. ग्लूकोज कितना है W ग्राम, तो इस ग्लूकोज को आपको मोल में बदलना होगा, तो W by 180. ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज का मोल. क्या ग्लूकोज का मोल कार्बन के मोल के इक्वल होगा, नहीं.
ग्लूकोज का मोल कार्बन के मोल को इक्वल कैसे नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो बच्चा बना है ये क्वांटिटी कहलाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज। लेकिन ये पूरा क्वांटिटी जो बना है, ये पूरा क्वांटिटी जो बना है, ये बना है मोल्स ऑफ कार्बन। तो मोल्स ऑफ कार्बन के इक्वल है 4 ग्राम को अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कार्बन का मोल है। और यहां पर हमने क्या किया कि टोटल वेट जो कि W ग्राम है उसको 180 से डिवाइड किया, तो W बाय 180 हो जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज। एक बार मोल्स ऑफ ग्लूकोज मिल गया तो हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन। इसे सॉल्व कर ले, W इक्वल टू 4 बाय 12 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, 4 थ्री जा 12, 6 थ्री जा 18 और 3 10 जा 30। डब्ल्यू कितना हो गया 10, डब्ल्यू कितना हो गया बच्चों 10। इसको सॉल्व कर ले, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वेट ऑफ Na2SO4 डॉट 10H2O इफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड is used oxygen used is 4 gram। अगर इस पूरे कंपाउंड में 4 ग्राम ऑक्सीजन है तो पूरे कंपाउंड का वेट कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। जो पूरा कंपाउंड है बच्चों Na2SO4.H2O कितना है 10H2O,
10H2। अगर हम लोग इसको W ग्राम कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं W ग्राम, तो मोल्स कितना हो जाएगा इस कंपाउंड का, W डिवाइडेड बाय 322, W डिवाइडेड बाय 322। पूरा लिख ले, मोल्स ऑफ Na2SO4 .10H2O, इस कंपाउंड का मोल कितना हो जाएगा W बाय 322। हमने क्या निकालना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया मोल, और ऑक्सीजन कितना है यहां से बच्चों, तो 4 यहां से 10 into 1 10 10 plus 4 कितना जाएगा 14। ये हो गया किसका मोल्स, ऑक्सीजन का मोल। अब बच्चों ऑक्सीजन के मोल को इस ऑक्सीजन के मोल से कंपेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल W बाय 322 into 14, ये हो गया क्या चीज ऑक्सीजन का मोल। और ऑक्सीजन का मोल ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऑक्सीजन कितना है 4, इसको अगर 16 से डिवाइड कर लिए तो फिर से ये मोल हो जाएगा, मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैंसिल करें यहां से, W इक्वल टू 4 by 16 into 322 by 14, इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद ये आपको आ जाएगा 5.75 ग्राम। चलिए बच्चों, अब ये बहुत ही सिंपल में एक प्रॉब्लम आपसे पूछा गया है कि यदि Na2SO4.NH2O के 26.8 ग्राम लिए गए हैं, उसके अंदर 12.6 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, तो इस N का क्या वैल्यू होना चाहिए। समय लीजिए आप अपना, सबसे पहले जो कंपाउंड लिया गया है Na2SO4
डॉट एन एच टू ओ, एन एच टू ओ, एन एच टू ओ। इसके अगर मोल्स की बात करें, इस कंपाउंड के मोल्स की बात करें, तो गिवन वेट कितना है, 26.8 बाय, हमने क्या करना है, मोल निकालना है किस कंपाउंड का, इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट इतने कंपाउंड के लिए आप लिख सकते हो कितना, 2 × 23 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस n इंटू 2 × 1 प्लस 1 × 16। यहां से आप सॉल्व करोगे तो इतना हो जाएगा 142 प्लस 18 n, तो ये इस कंपाउंड का क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। डिवाइड करें मॉलिक्यूलर वेट से, 142 प्लस 18 n। बच्चों वाटर कितना दे रखा है, वाटर दे रखा है 12 ग्राम, तो वाटर को मोल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 12.6 डिवाइडेड बाय 18, और यहां से अगर हम लोग वाटर का मोल निकाले, वाटर का मोल निकाले तो ये मोल किसका है, पूरे कंपाउंड का, तो हो जाएगा 26.8 डिवाइडेड बाय 142 प्लस 18 n इंटू n इंटू n। इसे आप कंपेयर करें, यहां से आप n का पर्टिकुलर वैल्यू निकालें, जब आप n का पर्टिकुलर वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7, n का पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। यहां से आपको सॉल्व करना है, बस सिंपल इक्वेशन अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तो इसे चलिए सिंपल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कोई कंपाउंड दिया हो, ए एक्स बी वाई, तो हमने बच्चों इस कंपाउंड के लिए लिखना है मोल्स ऑफ ए, कितना हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ ए कितना दिख रहा है, एक्स, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बी, ये कितना हो जाएगा, एक्स बाय वाई। ये जो नंबर रहता है वो बच्चों दरअसल मोल रेशियो रहता है, क्या रेशियो रहता है, मोल रेशियो। ये जो नंबर रहता है ये रहता है मोल रेशियो, तो हमने इसका क्या किया, मोल रेशियो लिख लिया। अब बच्चों ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Na2SO4 होल वन H2O होल n, तो इन दोनों में मोल रेशियो कितना का हो गया, मोल रेशियो हो गया 1 और n का, तो हम लोग वहां से लिख सकते हैं मोल रेशियो डेट इज 1 बाई n इक्वल टू
इक्वल टू, इस पूरे कंपाउंड का हमें मोल निकालना होगा इतना का। तो इतना का मोल अभी हम लोगों ने निकाला था, वेट कितना आ जाता है, वेट आ जाता है इस इतने का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 142, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18। बच्चों पूरा कंपाउंड जो है वो 26.8 है, इस पूरे कंपाउंड का वेट कितना दे रखा था, वेट था 26.8 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर कितना है, वेट ऑफ वाटर जो है ये है 12.6। तो वेट ऑफ Na2SO4 कितना हो जाएगा, 26.8 माइनस 12.6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 14.2। तो इस कंपाउंड का मोल कैसे लिखोगे, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वाटर कितना गिवन है बच्चों, 12.6 डिवाइडेड बाय 18। इस टर्म को आप सॉल्व करें एक बार फिर से, आपको n का वैल्यू जो है वो 7 ही मिलेगा। तो मोल रेशियो के थ्रू जब हम लोग चलते हैं तो सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है, सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। चलिए बच्चों साथ साथ लिखे एक और क्वेश्चन, 3.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 3.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड, 3.6 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड इट प्रोड्यूसेस 3.2 ग्राम ऑफ मेटल एंड इट प्रोड्यूसेस 3.2 ग्राम ऑफ मेटल, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 64, इफ द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 64, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फेट, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ मेटल फॉस्फेट। ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले नोट करें फिर इससे इंफॉर्मेशन निकालें कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके बाद आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है बच्चों? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख ले, M2OX। किससे रिएक्शन कर रहा है बच्चों? एक्सेस हाइड्रोजन से। और क्या बना रहा है बच्चों? मेटल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। साथ में ये इस रिएक्शन में वाटर भी प्रोड्यूस होगा। यहां बच्चों मेटल ऑक्साइड कितना दे रखा है? 3.6 ग्राम। मेटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? 3.2 ग्राम। बच्चों ध्यान दे कि जब मेटल ऑक्साइड 3.6 ग्राम है और इसमें से मेटल जो है वो 3.2 ग्राम है, ये हो गया मेटल ऑक्साइड और ये हो गया मेटल। तो मेटल ऑक्साइड में से यदि मेटल निकाल लिया जाए तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0.4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 0.4 ग्राम। बच्चों हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस कंपाउंड में मोल रेशियो कितना चल रहा है? 2 बाई एक्स। मतलब मेटल का मोल बाय ऑक्सीजन का मोल। चलिए मेटल का मोल बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मेटल का मोल हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.2 गिवन वेट और मेटल का एटॉमिक वेट दे रखा है बच्चों 64। तो ये हो गया मेटल का मोल। ऑक्सीजन का मोल निकालना हो तो ऑक्सीजन का गिवन वेट कितना है? 0.4 और इसका एटॉमिक वेट कितना है? 16। इसे आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो x का वैल्यू है वो है 1। x का वैल्यू कितना है? 1। x का वैल्यू कितना है बच्चों? 1। जब x का वैल्यू 1 है तो ये जो मेटल का फॉर्मूला बना वो बना M2O। बच्चों जैसे ही M2O हमने पता चल गया तो मेटल पर चार्ज कितना हो गया? +1 का। और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है? -2 का। मेटल पर चार्ज कितना है? 1 का। और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है? 2 का। पूछा क्या गया बच्चों? मेटल का फॉस्फेट। तो मेटल का फॉस्फेट कैसे लिखोगे? M+ और फॉस्फेट हो गया PO4-3-। क्रिस क्रॉस कर ले तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों M3PO4। ये फॉर्मूला बना मेटल फॉस्फेट का। किसका फॉर्मूला बना? मेटल फॉस्फेट का। सॉरी, क्या फॉर्मूला बचा बच्चों? मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया M3PO4। तो आज का क्लास बच्चों हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को और बूस्ट किया जाएगा। मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रॉपर ईयरफोन लगा करके देखें, यदि आप पहली बार देख रहे हो तो, या आप 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर एक शांत जगह पे बैठे, हो सके तो स्टडी टेबल और स्टडी चेयर का यूज करें। सोए सोए वीडियो लेक्चर को बिल्कुल ना देखें। लिखते समय वीडियो को पॉज कर करके आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते ही आपको लगेगा कि इतनी सारी बातें हैं, इसको इजिली मेमोराइज करना मुश्किल है। इन सभी बातों को आपको लिख करके ही याद करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के आप लोग अपना ध्यान रखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको।
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो सब भी इसका फायदा एडवांटेज जरूर ले सके। थैंक यू।